वही बोल रहे हैं कि जब ढोड़ी द्वारा ढोड़ी चटना गंदा था, अश्लील था, तो प्यार क्यों मिला? मान लीजिए देवराज भोले चकना बाबू गाना है, वाला गाना डीजे पे बजता है लेकिन खूब बजता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सबके माता पिता रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, गाना को सुनते होंगे, उनको उस टाइम कैसा लगता होगा, कैसा महसूस होता होगा? मत बजाइए, जब देखिए कि माता पिता है वहाँ, मत बजाइए, आपको शर्म लगता है तो। असली गाना नहीं, देवराज भोले चकना बाबू ढोड़ी का बात करें तो असली नहीं है तो क्या है? ढोड़ी कोई खराब शब्द नहीं है और शरीर का एक अंग है। ढोड़ी अगर अश्लील होता तो लोग दिखा के नहीं चलते, ढोड़ी अगर अश्लील होता है तो लोग उसमें उसके ऊपर गाना नहीं गाते, ढोड़ी अश्लील होता तो लोग उसको डीजे पर नहीं बजाते, वहाँ नहीं बजाए ढोड़ी चटना बताइए। उसी दाम बताते हैं, दूध भी बिकता है, दारू भी बिकता है, तो वो जिसको जो पसंद आता है वो सुनता है, लोग बताता है। तो मतलब आपको क्या कहना है कि अश्लील गाना गाओ और फिर वायरल? कोई जरूरी नहीं है कि अश्लील गाना ही वायरल होता है, कोई जरूरी नहीं है। ये बोलना चाहेंगे कि जो लोग भी गाना गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को सुधारिए, हम लोग अपने सुधर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एके बिहार न्यूज और हमारे साथ एक भाई का चैनल है जो चैनल का नाम है एमबी न्यूज, यदि जो चैनल के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज हमारे साथ बैठे हुए हैं देवराज भोले चकनाबा के राइटर पीके आर्यन जी, चलिए इनसे तमाम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा अश्लील गाना लिखते हैं। सबसे पहले कैसे हैं भैया आप? हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? हम सभी भैया बहुत अच्छे हैं आप सबके आशीर्वाद से। तो भैया आखिर आप इतना मतलब अश्लील गाना क्यों लिखते हैं, पहले जो बताइए। अश्लील कहाँ होता है, अश्लील होता है तो देखिए ये अश्लील गाना नहीं, देवरा ढोड़ी चटना व ढोड़ी का बात करें तो अश्लील नहीं है तो क्या है भैया? ढोड़ी कोई खराब शब्द नहीं है और शरीर का एक अंग है। ढोड़ी अगर अश्लील होता तो लोग दिखा के नहीं चलते, ढोड़ी अगर अश्लील होता तो लोग उसमें उसके ऊपर गाना नहीं गाते, ढोड़ी अश्लील होता तो लोग उसको डीजे पर नहीं बजाते, वहाँ नहीं बजाए ढोड़ी चटना बताइए। मैंने सुनिया भैया जो मान लीजिए किसी दिन मान लीजिए देवरा ढोड़ी चटना बा ठीक लिखे होगा, वो गाना को खूब सारा प्यार मिला भैया लेकिन उनको। हाँ वही बोल रहे हैं कि जब ढोड़ी देवरा ढोड़ी चटना बा गंदा था, अश्लील था, तो प्यार क्यों मिला? प्यार क्यों मिला क्योंकि दीपक लाल यादव जी के भैया मतलब बहुत सारे सिंगर को गाना लिख के दिया भैया उनको चाहने वाले फैंस है, वो फैंस जो जिस तरह जो लाइएगा गाना उतारा उस तरह के गाना को फैंस सुनेंगे क्योंकि उनके फैंस है, चाहने वाले फैंस है। जो आप अच्छा गाना गाइए तो अच्छा गाना लोग फैंस जरूर सुनेंगे। मैं लेकिन आप देखते हैं जितना भी गाना लिखते हैं कभी ढोड़ी देवरा ढोड़ी चटनाबा कभी कुछ लिखते हैं तो ये असली नहीं है तो क्या है भैया बताइए? क्यों उससे अच्छा अच्छा गाना लिखे, अभी कल ही रिलीज होने वाला है प्यार म्यूजिक को, प्यार जन प्यार पैसा पर भी काला। हाँ तो क्या भैया बहुत सारा गाना है, सूती के सलवार है, एक से एक गाना सिंधु लाल जी। आप बात कर रहे हैं भैया प्यार पैसा पे भी डाला, ये गाना को देखिए भैया ये गाना लिखे और रिलीज भी होगा, कौन सा चैनल से पहले होगा वो बताइए? यार म्यूजिक है जो कोमल सिंह जो मॉडल है उन्हीं का चैनल है, उसी से आ रहा है। तो भैया अच्छा ये सब गाना को, ये सब गाना कितना अच्छा है भैया, ये सब गाना को लोग प्यार अच्छा है प्यार देते तो हम काम क्यों करते हो ऐसा? अगर आप अगर जहाँ देखिए सीधी सी बात है, बाजार है, दूध भी बिकता है, तो बात है सही, दारू भी बिकता है, जिसको जो अच्छा लगता है खरीदता है, तो इसमें वो नहीं है, जिसको जो अच्छा लगता है बजाता है। अब भजन लिखेंगे खूब बढ़िया भजन लिख दिए और तो ऑर्केस्ट्रा में तो लग बजाएगा नहीं, नहीं वो तो नहीं बजाएगा, नहीं बजाएगा। ऑर्केस्ट्रा में क्या चाहिए, डांस करने वाला लोग इंजॉय करने के लिए ऑर्केस्ट्रा लोग कराता है, नाचने के लिए कूदने के लिए, इंजॉय नहीं करेगा तो फिर ऑर्केस्ट्रा में क्या करेगा? लेकिन एक चीज सोचते हैं भैया, मान लीजिए देवरा ढोले चटना बाबू गाना है, वाला गाना डीजे पे बजता है लेकिन खूब बजता है ठीक है, लेकिन वहाँ पे सबके माता पिता रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, गाना को सुनते होंगे, उनको उस टाइम कैसा लगता होगा भैया, कैसा महसूस होता होगा? मत बजाइए, जब देखिए कि माता पिता है वहाँ मत बजाइए, आपको शर्म लगता है तो। हाँ अब वहाँ पे मोहन भैया का गाना बजाइए, दीपक भैया का गाना बजाइए, बहुत सारा गाना है, रितेश पांडे जी का गाना बजाइए, अंकुश राजा जी का गाना बजाइए, नीलकमल सिंह का गाना बजाइए, जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ समाज में दिक्कत है, फैमिली वाले लोग बैठे हुए हैं, तो हम मत बजाइए ये सब गाना, क्या जरूरत है बजाने की? ठीक है भैया, बाकी जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहिए? बस यही कहेंगे कि आपके चैनल को खूब सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, हमको भी। बाकी आप इसी तरह मतलब असली गाना लिखते रहे, हर तरह के गाना लिखते हैं, सूती के सलवार से लेके अभी तक का बहुत सारा, एक से एक राम भजन है कि 50-50 मिलियन का राम भजन दिए हैं, तो आप लोग उसको भी सुनिए, ढोड़ी चटना सुनना है, ढोड़ी चटना सुनिए, ढोड़ी है वो बज रहा था इंस्टाग्राम पर काफी दिन ट्रेंड रहा, उसको सुनिए, पेटीएम करो सुनिए, फिर से माल आईफोन का डिमांड कर लीजिए, ये भी बजा है, अभी बज ही रहा है इंस्टाग्राम पर, तो ट्रेंडिंग में है एक महीने से, ये सब सुनिए सब। बाकी आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा, बढ़िया दीजिएगा हमको चलेगा, लेकिन ये भाई लोग को प्यार दुलार दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।